गांधी सागर पर हुए झील महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। बताया जा रहा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। गांधी सागर पर बुधवार को फ्लोटिंग फेस्टिवल का आगाज हुआ। इस झील महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि उषा ठाकुर, पर्यटन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन ने सर्वप्रथम माँ चंबल मैया की पूजा अर्चना कर महोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़, पर्यटन विभाग के MD विवेक, क्षेत्रीय लल्लू जी एंड कंपनी के मैनेजर संजीव सक्सेना सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित थे। हम बता दें कि इस झील महोत्सव में मुख्य आयोजन 1 फरवरी से 5 फरवरी तक रहेगा। गांधी सागर झील महोत्सव में आने वाले डेलीगेट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त कोटेज तैयार किया गया है। साथ ही गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में आने वाले पर्यटकों को एक अनूठा गेल पिक और एडवेंचर एक्टिविटीज का अनुभव देने के लिए ये फ्लोटिंग फेस्टिवल हो रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन है, अपनी तरह का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है। इस झील महोत्सव में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी, लैंड एयर और वाटर लैंड एडवेंचर एक्टिविटीज शामिल है। रात्रिकालीन मनोरंजन के लिए वाटर में बने स्टेज पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसका लुत्फ पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी मिल सकेगा। धर्म और धार्मिक न्यास जैसे बहुत ही, मैं तो कहती हूँ मेरा विभाग सबसे सुंदर, सबसे पावन है, जो पीढ़ियों को बहुत कुछ दे सकता है। ऐसे पावन विभाग की सेवा का मुझे मौका मिला हुआ है। आप देख रहे हैं कि नवाचार करने में हमारा पर्यटन विभाग अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। हम होम स्टे, रूरल स्टे, एग्रो स्टे, भारत का जो प्राण है, जो मौलिक संस्कृति, कोरोना के काल में सबने देख लिया कि भौतिकता से दग्ध मानवता यदि कहीं सुख, संतुष्टि और शांति प्राप्त कर सकती है, तो वो भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन परंपराओं, हमारे आध्यात्मिक परिवेश में ही प्राप्त कर सकते हैं। झील महोत्सव अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जो कि गांधी सागर नहीं अपितु पूरे अपने मध्य प्रदेश के जितने भी हैं टूरिस्ट प्लेस, उन सब में एक अपने को एक नया बूम लेके आएगा। तो निश्चित तौर पर एक पर्यटन के क्षेत्र में नई एक कदम है ये अपने गांधी सागर के लिए, अपने MP के लिए। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, अभी तक गांधी सागर जो था वो खाली एक वन्य जीव प्राणियों के लिए, इतना बढ़िया रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह सब है यहाँ पे, इसके साथ एक पर्यटन को भी एक नया आयाम मिल रहा है। ये साथियों, वो 35 करोड़ वर्ष पुरानी है। माँ चंबल की कृपा, माँ नर्मदा की कृपा, मध्य प्रदेश को समृद्धि की दृष्टि से, रोजगार और प्राकृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व पटल पर पहुंचाएंगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्राण प्रण से लगे हैं, आप और हम सौभाग्यशाली है साथियों कि राष्ट्र में हमें जननायक नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व मिला है, और मध्य प्रदेश में जननायक भैया शिवराज जी का नेतृत्व हमारे पास है।